यूपी के बदायूं जिले से जहां गुगावा में निकली प्रभु की शोभा यात्रा। जी हां, खबर है यूपी के बदायूं जिले से जहां उगहती थाना क्षेत्र के ग्राम गुगावा में आज भगवान की शोभा यात्रा निकली। भगवान के कलश यात्रा में समस्त ग्रामवासी व क्षेत्र वासियों की माताओं बहनों ने कलश उठाकर भाग लिया। कलश यात्रा ने क्षेत्र के 3 धार्मिक स्थानों की परिक्रमा की। गुगावा से कलश यात्रा आरंभ होते हुए डम्मी नगर पहुंची, जहां शिव धाम से जल भरकर लोथर राधा कृष्ण मंदिर पर प्रभु की यात्रा ने विश्राम किया। सभी श्रद्धालुओं ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, पुनः अपने स्थान पर विश्राम किया। साथ ही भगवान की शोभा यात्रा में अनेक प्रकार की झांकियों के साथ साथ रंग गुलाल उड़ाते दिखे। भक्त आश्रम महंत ओम दास जी महाराज व आचार्य आशीष शंखधार रामनोज दास जी, आचार्य कैलाश उपाध्याय जी से वार्तालाप किए। देखिए अविनाश शंखधार की खास रिपोर्ट। आज की जानकारी के मुताबिक बाबा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो कलश यात्रा आज गोवा ठाकुरदास मंदिर से प्रारंभ होकर कहां कहां प्रस्थान किया? ये डम्मी नगर पहुंची, गोवा से डम्मी नगर, डम्मी नगर से जल भर के और लोथर जी, लोथर होते हुए गोवा वापस आए। जी बाबा, जो कलश यात्रा का उद्देश्य है, क्या किस लिए कलश यात्रा निकाली जाती है? एक कलश यात्रा एक धर्म का प्रतीक है। कलश यात्रा के बाद आगे का क्या प्रोग्राम है? आगे का प्रोग्राम ये 5 दिन का लक्ष्मी नारायण यज्ञ, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चलेगा। हाँ, उसके बाद में भंडारा, 5 दिन के बाद भंडारा। ये शोभा यात्रा ग्राम गोहुआ से पहले धर्मनगर से लौटकर होती हुई पुनः गोहुआ में आ गई। शोभा यात्रा लगाने का मेन उद्देश्य था कि लोग हमारी संस्कृति के प्रति उत्सुक हों तथा समय का अनेक यज्ञ करके भगवान को मनाएं तथा अन्न की अधिक उत्पत्ति हो। शोभा यात्रा इसीलिए निकाली जाती है, जो हमारे क्षेत्र के क्षेत्रपाल होते हैं और तिराहे चौराहे इत्यादि जितनी ये हवाएं डवाएं जो मतलब होती हैं, उनकी शांति के लिए, उन्हें निमंत्रण हेतु ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। भगवान के यज्ञ में सभी मतलब प्रेत भूत प्रेत